हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। 1000 रुपीज से कम के प्राइस में अगर आप लोग भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, वो भी एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ, तो आज के टॉप 3 स्मार्टफोन के वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। लोग भी कम से कम प्राइस में एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर और फास्टेस्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो थर्ड नंबर पे आता है इन्फिनिक्स का Note 12। इन्फिनिक्स के Note 12 को कंपनी ने लेटेस्ट में लॉन्च किया, जिसे 11,999 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते। कम से कम प्राइस में भी इन्फिनिक्स के Note 12 में 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो सिर्फ 11,000 रुपए के प्राइस में भी इन्फिनिक्स के Note 12 में MediaTek का Helio G88 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कैमरा सेगमेंट पे अगर नजर डाली जाए तो बैक में 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2MP का मिल जाता है क्वाड LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं सेल्फी के लिए 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 11,000 रुपए के प्राइस में भी आप लोगों को फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और सेल्फी में भी आप लोगों को डुअल LED फ्लैश लाइट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं इन्फिनिक्स के Note 12 का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 11,000 रुपए के प्राइस में भी आप लोगों को 5000mAh की बिग बैटरी के साथ साथ 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में और किसी स्मार्टफोन में इतनी ज्यादा फास्टेस्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स के Note 12। लोग भी सैमसंग के स्मार्टफोन को काफी ज्यादा पसंद करते हो और कम से कम प्राइस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F22। गैलेक्सी के F22 को 11,499 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। गैलेक्सी के F22 में 6.4 इंच की HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले के साथ साथ MediaTek का Helio G80 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 11,500 रुपए के प्राइस में आप लोगों को काफी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 11,500 रुपए के प्राइस में भी गैलेक्सी के F22 में बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 48MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के 3 कैमरे 8+2+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही सेल्फी के लिए 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहां गैलेक्सी के F22 हर मामले में बेस्ट है, वही यह स्मार्टफोन बैटरी बैकअप के मामले में बेस्ट है, क्योंकि 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 15W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है गैलेक्सी के F22 में। प्राइस में अगर आप लोग भी एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ नियर स्टॉक एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, वो भी एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ, तो फर्स्ट नंबर पे आता है मोटो का G31। मोटो का G31 को सिर्फ 10,499 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। 10,499 रुपए के प्राइस में मोटो के G31 में काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पहला एडवांटेज है इसकी बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले, 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही मोटो के G31 में नियर स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक क्लीन UI देखने को मिलती है, फोन में कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ इसी वजह से फोन काफी ज्यादा स्मूथ बन जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए मोटो के G31 MediaTek का Helio G85 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। G31 में बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 8x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बाकी के 2 कैमरे 8+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं सेल्फी के लिए 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 10,500 रुपए के प्राइस मोटो के G31 में काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है मोटो के G31 में।